रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती जहाँ एक बहन अपने भाई के प्यार को बेच दे। ये चेक आपकी बहन ने मुझे दिया। जीने का कोई मकसद नहीं रह जाता पर फिर भी जीना पड़ता है। तो बिना किसने तुम्हारा दिल तोड़ा? कौन है? एक दिन जरूर बताऊंगी। लड़ी बॉस्टर। सुनो, तुमसे बेटर ना प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, कम से कम झूठ तो नहीं बोलती। ईशा, मॉम आ रही यहाँ पर। क्या? हाँ। So what will you have, मम्मी जी? I already know कि ईशा शादी कर रही है राहुल के साथ। मम्मी जी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर सच में बहुत अच्छा है। मॉम, आप कुछ भी सोच लेती है ना। हम कुछ भी नहीं समझ लेते। ईशा दिवीना, क्या आपने हमसे नहीं कहा था कि राहुल ने आपको ईशा के लिए प्रपोजल भेजा है? कमाल आंटी, क्या मैं आपको ऐसा लड़का लगता हूँ? अगर मैं किसी से प्यार करूंगा तो मैं उसको किसी और को बोलूंगा? नो आंटी, कम ऑन, दैट्स नॉट माय स्टाइल। ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग, बट दिवीना ने हमें, या तो आप उस वक्त रंग थे या तो अब है। राहुल इज अ स्मार्ट बॉय, उसे अकल है। उसे अगर किसी से शादी करनी होती तो वो दिवीना से करता। एंड व्हाई वुड ही? आई मीन, मुझे तो पहले से ही पता था कि राहुल और दिवीना के बीच में कुछ चल रहा है। इट वाज क्वाइट ऑब्वियस। रियली दिवीना? राहुल? प्लीज, आप राहुल को छोड़िए, आप ईशा पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपकी बेटी शादी कर रही है और वो भी मेरे भाई से। Are you okay with it? Well, she is not. Obviously उन्हें मंजूर नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है और देवीना को भी नहीं है। मॉम बहुत खुश होती अगर मैं राहुल से शादी करती, बट राहुल मेरी चॉइस ही नहीं है। आई डोंट वांट टू मैरी हिम। मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूँ और जो भी खुशी से इस शादी का हिस्सा बनना चाहता है वो यहाँ रह सकता है। और जिस किसी को भी प्रॉब्लम है, they are more than welcome to। ये भी कोई तरीका अपनी माँ से बात करने का ईशा? मॉम, ये आपके लिए नहीं था। इतने लंबे सफर के बाद आप बहुत थक गई होंगी, आपको रेस्ट करना चाहिए। मम्मी जी। मॉम, मॉम सुनो प्लीज। क्या मॉम? ईशा, क्या पूरी दुनिया में आपको विक्रम ही मिले थे? डू यू इवन नो हाउ ओल्ड ही इज? हमारी उम्र के हैं एंड ही कॉल्स मी मम्मी जी। हाउ डेयर ही? पर आपको किस चीज से प्रॉब्लम है? आपसे, और सबसे ज्यादा आपके इस फैसले से। उनका फ्यूचर ही कितना बचा है जो आप उनके साथ अपना फ्यूचर स्पेंड करना चाहती है। ईशा, आपका मेरे लिए लव विक्रम के हित से कम है क्या? नहीं, लेकिन इतना भी नहीं है कि अपनी दोस्त के हस्बैंड से मम्मी जी सुनूं। मॉम प्लीज, वो आपके होने वाले दामाद हैं। आप हमारे लिए डिसीजन नहीं लेंगी ईशा। मैं अपने लिए डिसाइड कर रही हूँ। तो फिर हमारे पीछे पीछे मत आइए ईशा। तो आप ऐसे मुंह सड़ा के मत जाइए प्लीज। पैसा प्यार से बड़ा नहीं होता ईशा। मॉम, आपने कहा था ना फॉलो योर हार्ट, मैं वही कर रही हूँ। आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। नानू ने भी आपसे यही कहा था, राइट? आप मानी नहीं ना? मॉम, मेरी चॉइस गलत हो या सही, मेरी चॉइस है। प्लीज लेट मी डू दिस, प्लीज। ईशा, मैं चाहता हूं कि हमारी शादी से पहले तुम इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। Sure. What is this? Prenuptial agreement. What? I thought you loved me. आप मेरे प्यार पे शक कर रहे हैं? I don't believe this. What's the hold up? यहाँ पर बहुत लोग हैं, मीडिया है, इतना सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत है? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ साइन। यूएस में हर दूसरा आदमी ये करता है। आई वोंट। आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दिस इन प्राइवेट। व्हाट द हेल? दीस आर नॉट द पेपर्स आई आस्क्ड फॉर। ये क्या लेकर आए हो तुम लॉयर से? ओह, तो ये लाया है। नाउ आई अंडरस्टैंड। अपने बॉस की प्रॉपर्टी और दौलत मुझसे सेफगार्ड कर रहे हो ताकि सब कुछ कल को तुम्हारे नाम हो सके, राइट? राहुल ऐसे कर ही नहीं सकता। ईशा दीजिए, कहाँ साइन करना? Just a minute, मिसेस सलूजा, ये क्या पेपर्स हैं जो आपने भेजे हैं मेरे पास? Okay, fine, thank you. Mummy, can I have my papers now, please? I think we should go out. Come, everyone, follow me. And now for the most important part of this evening. These are the papers that Isha is supposed to sign. ये तुम्हारे लिए। Oh my God! आप मुझे घर गिफ्ट करना चाहते थे। ईशा, एक घर तो क्या, मेरे सारे घर, सारी प्रॉपर्टीज, मेरी सारी चीजें हैं, सब तुम्हारी हैं। And you know why? Because I love you. क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक हस्बैंड और वाइफ हमेशा एक यूनिट होते हैं। तुम मेरी, इसलिए मेरा भी सब कुछ तुम्हारा। I love you. I love you too. Thank you so much. Vikram sir, idhar. You are left sir. Ma'am, you are right. Right sir, right ma'am. कितना प्यार करता ना विक्रम इसको। लव की ट्रेजेडी ये है राहुल, प्यार उसी से होता है जो उसे डिजर्व नहीं करता। किसकी बात कर रहे हो आप? देवीना की। Come on Joyce, you have to tell me, देवीना का दिल किसने तोड़ा? Come on, look at her, she's so perfect. आप मुझे नाम बताओ, मैं उसका मुंह तोड़ दूं। Calm down राहुल, वो तुम्हें बताएगी नहीं और मैं तुमको बता नहीं सकती। मॉम, आज का न्यूज़पेपर देखा? हर एक न्यूज़पेपर में मेरी फोटो छपी है। आई एम अ सेलिब्रिटी नाउ। देव कहाँ है? What the hell? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Isha, just behave yourself. Rahul, please have a seat. Oh, कितनी प्यारी लग रही है हमारी ईशा इन फोटोज में, है ना? और आपके दामाद? Very lucky. I still don't understand कि कोई इतना अच्छा लड़का छोड़कर बुड्ढे को कैसे चूज कर सकता है। I mean, I really can't understand that. हमने किसी को नहीं छोड़ा, वो तो आप। I was not drunk, Isha. I was just 2 vodkas down, okay? और आप जानती हैं हमारी capacity. ताज्जुब तो हमें इस बात का हुआ था कि राहुल जैसे सेंसिबल लड़के की चॉइस ईशा कैसे थी। What do you mean? Look at them. अगर हम किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, then Devina and Rahul makes a great pair, isn't it? Devina is the best. और उसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम में है राहुल नंदा। And thank God कि देवीना की चॉइस तुम नहीं हो। मैं अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी तुम दोनों को कभी साथ में नहीं देख सकती। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। नमस्ते आंटी। Yeah, God bless you. ईशा, तू अपने आप को समझती क्या है? तू राहुल को बार बार ह्यूमिलिएट क्यों कर रही है? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? विक्रम जी राहुल के बॉस है, राहुल उनकी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए चुप बैठता है, और तू है कि उस बात का फायदा उठाती है। देख, एक बात तू कान खोल के सुन ले ईशा, अगली बार राहुल कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। तू सीरियसली उसका साइड ले रही है? हाँ, ले रही हूँ, क्योंकि वो सही और तू गलत है। ईशा, एक बात बता, तूने जो उसके साथ किया है, एक बार भी सॉरी कहा उसके लिए? सॉरी और उसको कभी नहीं। तू कहाँ जा रही है ईशा? वाओ, दिस इज द न्यू देवीना दैट आई एम लुकिंग एट। हमने आज तक कभी आपको अपनी छोटी बहन से इतना नाराज होते हुए नहीं देखा। बहुत प्यार करती है ना आप उससे? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्या आप राहुल से प्यार करती हैं? माँ, अपनी माँ से तो झूठ मत बोलिए देवीना। आपकी आंखों में हमें वही चमक दिखाई दे रही है जैसे शीशे में हमने अपनी आंखों में देखी थी व्हेन आई फेल इन लव विद योर फादर। बिगाड़ा है उसने तेरा? तू क्यों से इस तरीके से बेइज्जत करती है? विक्रम जी राहुल के बॉस। क्या बिगाड़ा है राहुल? लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। क्यों बैठा है तू? इस बात का फायदा उठा। क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? एक बात तू कान खोल के सुन। क्यों से इस तरीके से बेइज्जत करती है? लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। वो सही, तू गलत है ईशा। विदाउट फाइटिंग एक बात बोलूं, अभी भी लेट नहीं हुआ है। मना कर दे, भाग जा, हम ये घर छोड़ देंगे, कुछ और कर लेंगे। और ये जो घर हमको अंकल ने गिफ्ट किया है, क्या गारंटी है कि तू इसमें खुश रहेगी? प्लीज ईशा, खुद को देख, तू ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस्ड है। You know why? Because deep inside you like राहुल। और अगर तू चाहे तो दी अभी भी राहुल से बात करके उसे समझा सकती है। विक्रम, आपने हमारी 10 साल पुरानी एजेंट को यास्मिन को काम से निकाल दिया। You know how upset she was. So was Isha. नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने वो मैगजीन कवर पे फोटोग्राफ देखा था क्या? Come on, you know that Yasmine could have done a much better job of it. एक just for one cover. बात एक कवर की नहीं है राहुल। Isha was so disturbed. और कुछ भी हो, मैं उसके चेहरे पे मायूसी नहीं देख सकता। जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो आप उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई मेरे बारे में खराब बोलेगा, तुम स्टैंड नहीं लोगी। I guess। अब मुझे ही देख लो, परी के जाने के बाद प्यार तो बहुत दूर की बात, मुझे आज तक कभी किसी की तरफ अट्रैक्शन भी नहीं हुआ। And now I find myself in this place, इस उम्र में अचानक, when I'm not even looking for it, आपको किसी से प्यार हो जाता है और you can do anything for that person. तुम यहाँ क्यों आई हो? इसका आंसर दो। धोखा मैंने खाया। तो क्या जिंदगी भर बैठकर घर पे रोते रहोगे? अगर तुम्हें किसी और को रिस्पेक्ट नहीं देना तो मत दो, लेकिन खुद के लिए उठो और काम पर जाओ राहुल। जब तुझे होगा ना, तब पता चलेगा तुझे। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि कोई ऐसी पागल लड़की मिले तुझे जो तुझसे इतना बेइंतहा प्यार करती हो कि तेरे बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ समझे जाने, वो तेरे लिए सब कुछ कर जाए। कोई लड़का अगर तुम्हें देखे और तुमसे प्यार ना हो, वो तो भैया बहुत ही बेवकूफ होगा। ऐसा बेवकूफ तो एक ही था जो तेरी खामोशी को भी समझे और तेरे खिलाफ दुनिया से भी लड़ जाए। Are you okay? जब अकेले होता हूं तो नहीं, बट जब तुम इधर साथ में होती हो तो I feel better। फिर तो मुझे तुम्हारे आसपास ही रहना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशा, just behave yourself। देवीना, किसने तुम्हारा दिल तोड़ा? मुझे आप ही बता। मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। दोस्त माना ना, छुट्टी में। कौन है वो? एक दिन जरूर बताऊंगी। राहुल, कितना घटिया, कमीना, बेहुदा, थैंकलेस लूजर है वो। तुम किसकी बात कर रहे हो राहुल? क्या हुआ? मेरी, वो मैं ही हूं ना।